हेलो पीपल व्यू टॉयज व्यूअर्स, येट अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर यू गाइज। होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये बड़ा सा 3-in-1 क्रिएटिव बॉक्स, जिसके अंदर हमारे पास है स्लाइम, बाउंसी बॉल एंड एक्टिव सैंड। तो बिना किसी देरी के लेट्स रोल द इंट्रो। एकता ब्रांड की तरफ से ये 3-in-1 क्रिएटिव बॉक्स है 5 ईयर्स एंड अबाव किड्स के लिए, जिसके अंदर हमको जो 3 चीज़ें हैं, फर्स्ट है स्लाइम, देन है मैजिक बाउंसी बॉल्स और थर्ड है एक्टिव सैंड या फिर काइनेटिक सैंड। ये तीनों चीज़ों के अलग अलग बॉक्स के वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो डू चेक देम आउट ऑल्सो। और बॉक्स के पीछे हमारे यहाँ पे कंटेंट्स दिए हुए हैं कि बॉक्स के अंदर हमको क्या क्या मिलने वाला है। इंस्ट्रक्शन मैनुअल अंदर भी होनी चाहिए और बाहर भी थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन हमको दिया हुआ है। तो आइए इस बॉक्स को फटाफट ओपन करते हैं और ट्राई करते हैं ये तीनों चीजें बनाने की, और एक क्विक रिव्यू करेंगे कि ये वर्थ पेइंग प्राइस है या नहीं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। खुल जा सिम सिम। और यहाँ पे हमारे बॉक्स के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं काफी सारे कंटेनर्स हैं। फर्स्ट निकल के आता है ये एक छोटा सा बुकलेट, जिसके अंदर स्लाइम और बाउंसी बॉल का हमको रेसिपी दी हुई है, क्योंकि काइनेटिक सैंड तो हम एज इट इज यूज करेंगे। काइनेटिक सैंड के लिए यहाँ पे हमारे पास में मोल्ड्स प्रेजेंट हैं जो टोटली बेस्ड हैं ओशियन क्रीचर्स के ऊपर। स्लाइम के लिए एक सेपरेट किट है पॉलीथिन के अंदर, ये पूरा मटेरियल हमें स्लाइम बनाने के अंदर काम में आएगा। और हमारे पास यहाँ पर है बॉल बनाने के लिए ये छोटे छोटे पैकेट्स, और इसको भी हम ओपन करके देखेंगे कि किस टाइप के कलर्स हैं। और थर्ड हमारे पास में है ये पर्पल या फिर पिंक काइनेटिक सैंड, ठंड की वजह से थोड़ी सी अकड़ गई है पर इसको हम सॉफ्ट कर लेंगे। और फिर दिए गए हमको कुछ कंटेनर्स जो कि हमें यूज आएंगे इस पूरे प्रोसेस के अंदर। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी काइनेटिक सैंड के साथ में। तो इसको पोर कर लेते हैं हमारे बॉक्स के अंदर। कलर काफी वाइब्रेंट है, ज्यादा अमाउंट यहाँ पर है निकानेटिक सैंड का, लेकिन आई थिंक एक बच्चा अच्छे से खेल सकता है या फिर दो भी थोड़ा शेयरिंग करके खेल सकते हैं, इतनी ज्यादा सैंड नहीं है मतलब। और सिंगल कलर है, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा लूज कर रही हूँ क्योंकि ठंड की वजह से या फिर डाउन टेम्परेचर की वजह से थोड़ा मुझे हार्ड लग रही थी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये खुद से मूव कर रही है, यही तो मजा होता है मूविंग सैंड का ना। आप मोल अनमोल भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरी चीज एट द सेम टाइम आपके हाथ कभी भी मैसी नहीं होते। तो मुझे टेक्सचर इसका अच्छा लगा, क्वांटिटी थोड़ी कम लगी पर ठीक है। और ये हैं हमारे सी क्रीचर्स के मोल्ड्स, डिफरेंट डिफरेंट क्रीचर्स हैं यहाँ पे। हमको शेल दिया हुआ है, स्टार फिश, स्कॉर्पियन, सी हॉर्स, टॉर्टॉइज, ऑक्टोपस, डॉल्फिन, तो ये कुछ 8 मोल्ड हमको दिए हुए हैं। मैं फटाफट आपको ये मोल्ड्स करके दिखाती हूँ कि कितना परफेक्ट शेप ये काइनेटिक सैंड ले सकती है। तो लेट्स गो विद द स्टार फिश फर्स्ट। आप अच्छे से दबा दबा के टाइट टाइट स्टार फिश को भर लेंगे और प्लेन कर लेंगे, उसके बाद हल्का सा अगर आप टैप करेंगे तो देखिए बहुत ही सही टेक्सचर है और बहुत ही स्टेबल भी था। आप उठा सकते हैं उसे, इजीली रख सकते हैं, बिल्कुल ब्रेक नहीं हो रहा था। यहाँ पे मैं आपको सारे एक बारी बना के दिखा देती हूँ। अगर क्वांटिटी वाली बात इग्नोर की जाए तो क्वालिटी A1 है। आई टोटली लाइक दिस सैंड और गो फॉर इट अगर आप इससे खेलना चाहते हैं तो, क्योंकि जैसा एक मूविंग सैंड का टेक्सचर होना चाहिए, जितना उसके अंदर एक्टिविटी होनी चाहिए उतनी इसके अंदर प्रॉपर है। तो इस हिसाब से तो इस किट को मिलते हैं A1 ग्रेड, और आगे चल के देखते हैं कि बाकी दोनों चीज़ें कैसी मिलती हैं। We'll be right back.
to create your own magic bouncy balls. तो पैकेट में अवेलेबल है कुछ कलर्ड पोरिंग किट्स, प्लस हमारे पास हैं दो बॉल मेकिंग मोल्ड्स. तो पैकेट में से पूरा सामान बाहर निकाल लेते हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं कलर काफ़ी वाइब्रेंट है, जो बॉल बनने के बहुत ही अच्छा लगता है. मैं ट्राई करूंगी कि ये ग्लो इन डार्क है या नहीं, हालांकि पैकेट में कभी मेंशन नहीं है, पर ट्राई करने में क्या जा रहा है. तो ये सब कुछ चीज़ें हमारे पास इसके अंदर अवेलेबल हैं. तो फटाफट हम मोल्ड्स को क्रिएट कर लेते हैं और फिर उनके अंदर ये पैकेट पोर करके बॉल क्रिएट कर लेते हैं. बॉल की मोल्ड्स इतने बड़े नहीं है, छोटे छोटे नहीं है, पर ठीक है, बाउंसी बॉल छोटी छोटी काफ़ी प्रिटी लगती हैं, वो अच्छा बाउंस भी लेती हैं. तो यहाँ पे दो शेप हैं एक्चुअली, एक में कुछ फ्लावर टाइप बना हुआ है और एक एकदम राउंड है टिपिकल बॉल टाइप. तो यहाँ पे मैंने दोनों को कनेक्ट करके उनके अंदर मैं गिवन पैकेट्स को पोर कर रही हूँ. पोर करते टाइम का आपको हल्का सा नीचे टैप टैप करना है ताकि वो अच्छे से सेटल हो जाए. यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर के लेयर्स ऐड कर रही हूँ ताकि वो थोड़ी अट्रैक्टिव लगे. आपको पोर करते जाना है और टैप टैप करते जाना है. इससे ट्रस्ट मी गाइस, आपकी बाउंसी बॉल हमेशा परफेक्ट बनेंगी. आपको पूरा नेक तक फिल करने के बाद में इसको गर्म पानी या फिर हल्का वार्म वाटर के अंदर फॉर 10 मिनट्स ओनली छोड़ना है, और उसके बाद आपकी बाउंसी बॉल बनके रेडी हो जाएंगी. तो मैं जल्दी से आपको ये पूरा प्रोसेस करके दिखा देती हूँ और दिखाती हूँ कि हमारे एंड रिजल्ट किस टाइप के निकलते हैं. पोरिंग ऑल द कंटेंट इन बॉल्स, मैंने इनको वार्म वाटर के अंदर छोड़ दिया है. आफ्टर 15-20 मिनट्स हम इनको चेकआउट करते हैं. आई गेस सोकिंग प्रोसेस यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है. तो लेट्स अनमोल्ड दीज क्यूट लिटिल बॉल्स, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कलर्स देखने के लिए. ओ माई गॉड, दिस इज वेरी प्रिटी. काफ़ी ईजीली बॉल्स अनमोल्ड हो गई थी, थोड़ी स्टिकी फील हो रही थी, पर आई गेस जब वो थोड़ी ड्राई आउट हो जाएंगी तो ठीक लगेंगी. यहाँ पे परफेक्ट शेप लेकर हमारी बॉल निकल कर आई है, और दोनों बॉल्स निकालने के बाद में हम उनका बाउंसिंग टेस्ट ज़रूर करेंगे. तो स्टे ट्यून्ड. तो दोनों बॉल्स हमारी यहाँ पे रेडी होके बाहर आ गई हैं. बाकी जितना मटेरियल बचा है मैं उनकी भी बॉल्स फटाफट बना के आपको इनका बाउंसिंग टेस्ट कराती हूँ. तो जैसा कि आप देख रहे हैं बाउंस भी काफ़ी सही है. अभी थोड़ी स्टिकी है तो फ्लोर पे स्टिक कर रही थी, पर आई थिंक जब ये ड्राई आउट हो जाएंगी तो इनका बाउंस और भी अच्छा हो जाएगा. तो सेकंड किट मैजिक बाउंसी बॉल्स के लिए भी यहाँ पे A1 स्टार मिलता है एकता के किट को. किट थर्ड लास्ट किट स्लाइम लैब. तो स्लाइम मेकिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे किट में दिए गया है स्लाइम ग्लू, स्लाइम एक्टिवेटर, ड्रॉपर्स हैं, डिफरेंट कंटेनर्स हैं स्टेयर करने के लिए, पॉप्सिकल्स हैं, और है हमारे पास में कलर्स. तो फर्स्ट बोरेक्स सॉल्यूशन बनाने का प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ. हम सिंपल ले लेंगे 100 ml वाटर अपने बीकर के अंदर, और उसके अंदर हमको अपना बोरेक्स पाउडर या फिर स्लाइम एक्टिवेटर डालना है कुछ 1 स्पून, और उसको अच्छे से स्टेयर करना है फॉर 2-3 मिनट्स. बहुत ही फास्ट स्टेयर करना है, और फिर हम इसको साइड में रख देंगे प्रिपेयर होने के लिए. तो यहाँ पे हमारा बोरेक्स सॉल्यूशन बन के रेडी हो गया है. और ग्लू सॉल्यूशन, यहाँ पे हम ले लेंगे 10 ml अपना स्लाइम ग्लू एंड 20 ml ऑफ वाटर. तो बीकर हमने अपना ले लिया है, इसके अंदर मैं ऐड करने जा रही हूँ हमारा दिया हुआ स्लाइम ग्लू. हमको कुछ 10 ml स्लाइम ग्लू चाहिए. इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं 20 ml ऑफ वाटर, और उसके बाद हम इसे देंगे एक बहुत ही अच्छा सा मिक्स. और इन दोनों सॉल्यूशन को हमको साइड रखना है कुछ 30 मिनट्स के लिए आपस में मिक्स करने से पहले.
तो हमारा ग्लो सॉल्यूशन प्लस बोरेक्स सॉल्यूशन यहाँ पे बनके एकदम रेडी है। 30 मिनट्स के लिए हमने इनको छोड़ा था, साथ में हमारी बाउंसी बॉल्स भी बन रही हैं जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आइए क्विकली हम इन दोनों को आपस में मिक्स करके देखते हैं कि स्लाइम कैसे बनती है। तो हम दिए हुए ग्लू सॉल्यूशन में एक टाइम में अराउंड 80 ml ऑफ बोरेक्स सॉल्यूशन ऐड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करते टाइम पे हमको उसको स्टियर करते रहना है। तो एक बार में यहाँ पे कुछ 50 ml इस ड्रॉपर में आएगा, तो क्विकली हम बोरेक सॉल्यूशन ऐड करते करते अपने ग्लू सॉल्यूशन को फास्ट फास्ट स्टियर करते रहेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि हमारी स्लाइम बनना रेडी हो जाएगी। तो यहाँ हमारी स्लाइम ऑलमोस्ट बनके रेडी हो गई है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस था और हमारे चैनल पे ऑलरेडी काफ़ी सारे स्लाइम मेकिंग किट हैं, तो आई गेस जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स होंगे उनको तो पूरा प्रोसेस ही पता चल गया होगा कि स्लाइम एक्चुअल में कैसे बनती है और बेस्ट स्लाइम बनाने के लिए आपको क्या चीज़ कितने प्रपोर्शन में रखनी है। तो एक्चुअली ये थी हमारी क्लियर स्लाइम, इसके अंदर हमने कोई कलर ऐड नहीं किया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इतनी स्टिकी नहीं है लेकिन इतनी स्ट्रेची भी नहीं है। जैसे बॉक्स पर लिखा हुआ था कि बहुत ही स्ट्रेची हो, कि मुझे ऐसा फील नहीं आ रहा कि ये बहुत स्ट्रेची होने वाली है, बट हाँ स्टिकी नहीं है और मेसी प्ले जो बच्चे लोग इंजॉय करते हैं उनके लिए काफ़ी सही रहेगा। तो क्लियर स्लाइम जब हमारी अच्छे से बन गई है तो हम ज़रूर ट्राई आउट करेंगे कलर्ड स्लाइम बनाने की। कलर्स हमको किट के साथ में दिए हुए हैं, तो आइए एक बार हम इसका टेक्स्चर देख लेते हैं और फिर चलते हैं कलर स्लाइम बनाने की तरफ। कलर्ड स्लाइम बनाने के लिए भी बाकी प्रोसेस एज इट इज़ रहेगा। आपको बोरेक्स सॉल्यूशन बनाना है, आपको ग्लू सॉल्यूशन बनाना है। बोरेक्स सॉल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो हम सिंपली यहाँ पे ग्लू सॉल्यूशन बना के उसको 30 मिनट्स रख के उसके अंदर 80 ml बोरेक्स सॉल्यूशन डालेंगे और देन जस्ट हमारे पास जो वाटर कलर्स इन्होंने दिए हुए हैं हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर अपने लाइकेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसके अंदर कोई भी कलर किसी भी क्वांटिटी के अंदर ऐड करके देखते हैं कि किस टाइप से हमारी कलर स्लाइम यहाँ पे बनके रेडी होगी। तो यहाँ पे मैंने बोरेक्स सॉल्यूशन ग्लू सॉल्यूशन में डाल लिया है, मैं फटाफट स्टेयर कर दूंगी। और ये सारा प्रोसेस ना आपको बहुत क्विकली करना पड़ेगा, नहीं तो स्लाइम अच्छे से बन जाएगी तो कलर अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं पर्पल कलर ले लेती हूँ क्योंकि पूरा किट हमारा पर्पल और ब्लू थीम का था। तो मैंने यहाँ पे कुछ 1.5 स्पून जो हमारे पास में दी हुई थी 1.5 स्पून मैंने यहाँ पे पर्पल कलर ले लिया है और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि कलर और स्लाइम का जो हमारे पास में सॉल्यूशन था वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए और हमारी स्लाइम एकदम परफेक्ट निकल कर आए। तो ये थी हमारी दोनों की दोनों स्लाइम्स, बहुत ही सही लगी मुझे। और एक बार एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं पूरे किट का। तो गाइज हमारी एक्टिव सैंड और बाउंसी बॉल्स एंड स्लाइम किट हमने यहाँ पे अनबॉक्स कर लिया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा आपको इन तीनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी या फिर जनरली अच्छी लगती है। और फिर उसके बाद में एक लाइक तो ज़रूर करिएगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।
किट का परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. डू चेक इट आउट, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइज.